प्रणाम बच्चों, आप सबको विजडम एरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम नया पाठ पाठ नंबर 9 मोबाइल का बोलबाला, इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ का लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति जी। लेखिका का परिचय इस तरह है छात्रों, लेखिका का नाम सुरेखा शर्मा शांति, शांति इनका काव्य नाम है और इनका जन्म 11 अगस्त 1956 को शहीदों हरियाणा में हुआ। हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्या रही है इन्होंने, और इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं। क्या क्या है प्रमुख रचनाएं? रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह नन्ही कोमल, और बाल एकांकी संग्रह आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला है? पुरस्कार अखिल भारतीय साहित्य परिषद और भोपाल, गुजरात, हरियाणा, अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। अच्छा छात्रों, ये रहा इनका कवि परिचय। आगे पाठ के तरफ बढ़ेंगे। इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ पर जोर डालेंगे। सदी, युग, उदास, निराश, मूंछ, मस्टैच यानी मी से, पूंछ, दुम यानी टेल, औकात, योग्यता यानी एबिलिटी, गुस्सा, क्रोध, माफी, क्षमा, छाती, सीना, जुदाई, बिछड़ना, कसूर, दोष, धूम, वैभव। चलते हैं आगे। हाल, स्थिति, मुकुड़ा, मुख, चेहरा भी कह सकते हैं, नाराज, आक्रोश, अग्रज, बड़ा भाई। आवाज, ध्वनि, आवाज, ध्वनि, माजाल, सामर्थ्य, माजाल, सामर्थ्य यानी योग्यता, सलोन, सुंदर, सलोन, सुंदर, सच, सत्य, सच, सत्य, वक्त, समय, चिट्ठी, पत्र, चिट्ठी, पत्र, चौंकना, चकित होना। अच्छा छात्रों, आगे पाठ के तरफ बढ़ते हैं। अब नंबर 9 मोबाइल का बोलबाला। इस पाठ का लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति।
इस पाठ का आशय क्या है हम देखेंगे। हम छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष यानी टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। देखिए छात्र, यहाँ मोबाइल इस पाठ से, छात्र मतलब आप ही है ना, आप इस पाठ से, इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन, देखिए यहाँ क्या है, आजकल मॉडर्न जो है, मॉडर्न जो युग है, इसमें हमारे जीवन शैली में बहुत बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं ना। या ऐसे ही आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, चिट्ठी मतलब यानी पत्र है ना, लेटर लिखते हैं ना, हमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमें भेजते हैं, यही चिट्ठी, ये क्या है, पत्र है। दूरभाष, दूरभाष मतलब टेलीफोन, पहले अपने घर में होता था, जो टेबल पर रखे रहते थे उसे एक तार होती थी लंबा, यही है दूरभाषा है टेलीफोन। मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करें, यहाँ देखिए मोबाइल की स्थिति, जो मोबाइल आजकल कैसा हुआ है, किन किन आतों में हमें देखा जा सकता है, और मोबाइल किसके लिए उपयोग है ना, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं है ना। वर्तमान परिस्थिति में यानी अब चल रहा है ना, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व, जो अब प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, मोबाइल फोन का कितना महत्व है, कितना लाभ है उससे, कितना नष्ट है उसके बारे में, और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे, और उसकी उसकी आवश्यकता है ना, उसकी जो नीड्स है ना, मोबाइल की नीड्स जो है, उसके बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस पार्ट में। यहाँ पार्ट का विधा है एकांकी, ये कौन सा विधा है, मोबाइल का बोलबाला, ये पार्ट का विधा है, एकांकी रूप में है ये है ना, एकांकी रूप में आपको परिचित करा रहे हैं सुरेश शर्मा शांति जी। पाठ के तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे, आप भी अपने पुस्तक खोल लीजिए, ध्यान से देखते जाइए, और आप साथ साथ क्या करना है, पाठ को दोहराना है, चलेंगे पाठ पर। मोबाइल का बोलबाला। बहुत दिनों से कमरे में पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वे बहुत उदास है। अब उसे कोई पूछता ही नहीं और ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया और चले गए। दिखने में चूहे जैसा, ना मुंह ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं माफी चाहता हूँ। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रही, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। टेलीफोन भैया, अब ये बताओ इसमें मेरा क्या कसूर, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। भाई नाराज मत हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। अपनी ही आवाज सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की,
थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक सा नहीं रहता। दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज तो दादी के बक्से में से आ रही है। मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। वह कैसे? हाय, क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजनों को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। चिट्ठी बहन, निराश मत हो, यह तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मानना चाहिए बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नहीं खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। तुम सच कह रही हो चिट्ठी बहन, अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने भी अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराने लगा। और तभी मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। पाठ का विवरण पर चलते हैं बच्चों, चलेंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। ध्यान देखिए, बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। उसे क्या हो रहा था, जो टेलीफोन जो ड्राइंग रूम में रख चुके थे उसे बहुत बोर लग रहा था। उसे जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती लग रही थी, उसे क्या लगता है, अपने लाइफ जो है ना, लाइफ को वैलिडिटी ही ख़त्म होने का भावना हो रही थी टेलीफोन को। सदियों से उसका एकछत्र राज था। देखिए, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से क्या था, उसका ही राज था, उसका ही शासन था, उसका ही उपयोग था ज़्यादा, किसका, टेलीफोन का। पर आज वह बहुत उदास है, क्योंकि आज क्या है, वो टेलीफोन बहुत बहुत उदास है। उदास मतलब बहुत दुख से है। क्यों, अब उसे कोई नहीं पूछता, उसे अब कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो वहीं पड़ा रहता है, इसलिए ना ही उससे कोई फ़ोन करता है। देखिए, आजकल मोबाइल आने पर कोई टेलीफोन पर जाता है, ज़्यादा नहीं जा सकता है ना, इसलिए वो नाराज़ है, उससे कोई फ़ोन भी नहीं करता। तभी मिस्टर शर्मा, तब उनके घर का घर की मालकिन जो मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। देखिए, जब क्या होता है, उनके घर का मालकिन जो रहती है मिस्टर शर्मा, उन्होंने क्या करते हैं, जो टेलीफोन के पास ही उनका मोबाइल रख जाते हैं। अब देखिए, अब क्या क्या बातें होते हैं टेलीफोन और मोबाइल के बीच में, देखते हैं। टेलीफोन मन ही मन में अपने दिल में क्या कहते हैं,
दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ। देखिए वहां बोलता है टेलीफोन। दिखने में चूहा जैसा है, ये क्यों है? छोटे से जो चूहे, चूहे देखे ना आप अपने घर में रहते हैं, रैट, रैट जैसा है ये। मोबाइल, ना मूंछ, उसे कोई मस्टैच नहीं है, यानी मी से नहीं है। ना पूंछ, कोई दुम नहीं है इसे, दुम मतलब जो टेल जो होते हैं ना, जो टेल भी नहीं है इसे, फिर भी इसकी इतनी पूंछ। फिर भी क्या है, इसे बहुत चाहते हैं लोग, इसे ही पूछते हैं लोग, बोलकर यहाँ टेलीफोन मन ही मन बोल रहा है। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। यहाँ देखिए वो टेलीफोन बोलता है मोबाइल से, चल दूर हट मुझसे, तुम क्या करो, दूर बैठो मुझसे, बोकल आकर बैठ गया मेरे पास, मेरे नज़दीक आकर, यानी मेरा समीप आकर बैठ गया, बोलकर वो टेलीफोन बोल रहा है। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने, हाँ तेरी तेरी मतलब जो मोबाइल को बोल रहे है टेलीफोन, तुम्हारी योग्यता यानी एबिलिटी क्या है तुम्हें यहाँ आकर बैठने की जो मेरे सामने, बोलकर यहाँ टेलीफोन बोल रहा है मोबाइल। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुई भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। देखिए यहाँ मोबाइल चौंकते हुए खाता है, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, मैंने तुमसे एक बात भी नहीं कहा, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम क्यों नाराज हो रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो मुझसे, बोलकर यहाँ मोबाइल टेलीफोन से बात कर रही है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं तुमसे कुछ ना कुछ गलती किया है क्या, बोलकर यहाँ मोबाइल पूछ रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ गलती किया हो तो मैं क्या करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, तुम मेरे बड़े भाई हो। देख बड़े भाई मतलब जो पहले किनका राज था, टेलीफोन का ही राज था, इसलिए वो बड़े भाई मानते हैं मोबाइल। अब ये नया आधुनिक तकनीकी आने से ये मोबाइल आ गया है ना, पहले उसका ही राज था, उसका ही उपयोग था, ज़्यादा ज़्यादा लोग उसे ही उपयोग करते थे, अब उसे छोड़ दिए हैं, इसलिए यहाँ मोबाइल बोल रहे तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हें मुझसे भी बड़े हो, बोलकर यहाँ बता रहा है मोबाइल। चलते हैं टेलीफोन, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, पता है जब से तुम्हें आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। देखियो यहाँ टेलीफोन बोल रहा है, गुस्सा ना करूँ तो मैं गुस्सा करने के बिना क्या कर सकता हूँ, पता है आपको, पता है क्या, जब से तुम आए हो, तुम कब यानी मोबाइल कब आया है, जब से हमारी कोई पूछ नहीं रही, मुझे कोई भी पूछता ही नहीं, बात भी नहीं कराता है, बोलकर यहाँ टेलीफोन बोल रहा है। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, देखो सब लोग क्या करते हैं, जो हमें पैकेट में रखते हैं ना, छाती के पैकेट में मोबाइल को, इसलिए वो बोल रहा है टेलीफोन, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, छाती से लगाते हुए उधर उधर घूमते हैं ना हम लोग, इसलिए हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, हर समय भी एक क्षण भी हमें बिना मोबाइल के रह सकते हैं क्या आजकल, नहीं, वही हमारा जीवन है ना, जीवन का अंग बन गया है मोबाइल, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। देख एक बार भी उसे छोड़कर, मोबाइल छोड़कर हमें कहीं भी नहीं जा सकते है ना। देखिए आजकल तो आप भी देख रहे हैं ना, जो मोबाइल के बिना हम आपको पढ़ा भी नहीं सकते हैं, आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, है ना, इस तरह मोबाइल के बिना, मोबाइल छोड़कर हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं आजकल, है ना, इसलिए एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं कर सहन कर सकते, बोलकर यहाँ टेलीफोन बोल रहा है। आगे चलते हैं, अगला पोस्ट पर चलेंगे।
मोबाइल, टेलीफोन। भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? यहाँ मोबाइल बोलता है, टेलीफोन भैया, ए टेलीफोन ब्रदर, तुम बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, इसमें मेरे क्या दोष है, क्या प्रॉब्लम है मेरा, यहाँ बताओ, बोलकर यहाँ मोबाइल बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे वास्ते मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए, मैं जरूर करूँगा, बोलकर यहाँ मोबाइल टेलीफोन से पूछ रही है। अच्छा छात्रों, फिर अगला अवधि में फिर मिलते हैं, वहाँ तक।